सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, बीकानेर के लहरिया पे मोड़े प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? तो सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। क्या है? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। क्या? बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इसमें मुख्यतः किस प्रकार का रंग प्रयोग लिया जाता है? इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और जाजम या आजम जाजम अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और सांगानेर प्रिंट में मुख्यतः काला व लाल रंग प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक सफाई के बारे में सही नहीं है? यानी कि ये बगरू प्रिंट के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बगरू प्रिंट में काला रंग मुख्यतः प्रयोग लिया जाता है और काला व लाल रंग प्रयोग में लिया जाता है। ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, ये सूती कपड़ों का प्रयोग में ऊपर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी। बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही गलत है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर, क्योंकि बगरू के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और मुख्यतः काला रंग प्रयोग में लिया जाता है और इसमें रासायनिक रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जिसमें काला व लाल रंग के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूलों पत्तियों जानवरों और पक्षियों का मटिया यानी कि मिट्टी रंग के आधार पर लाल व काले रंग में बनाया जाता है, तो ये बगरू प्रिंट बनाए जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सांगनेर में सांगनेरी प्रिंट। और कैथून कोटा, जहाँ पर मसूरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अकोला चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः आजम जाजम प्रिंट प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंधेज साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और मसूरिया की साड़ियों के लिए कोटा प्रसिद्ध है। कैथून कोटा मसूरिया की साड़ियों के लिए और बंधेज साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाला कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? अमोवा में, मल्यागिरी में, या तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, यानी कि मल्यागिरी, मल्यागिरी पद्धति से जो कपड़े रंगे जाते हैं और वह सुगंधित होते हैं। और इसका उदाहरण जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड की अंगरखी अभी तक सुगंधित है और वह मल्यगिरी में रंगी गई थी। और इसमें मुख्यतः भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें मुख्यतः भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मल्यगिरी जो कपड़ा रंगाई में मुख्यतः भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और पीछे हमने बात की थी अजरक प्रिंट, जिसमें मुख्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? जिसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और एक मलिर प्रिंट जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इसमें मुख्यतः कत्थई व काला रंग का प्रयोग किया जाता है। और एक सांगनेरी प्रिंट व बगरू के अंदर मुख्यतः काला व लाल रंग प्रयोग किया जाता है। और एक अकोला चित्तौड़गढ़ में आजम व जाजम, जिसमें मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये कौन सी प्रिंट में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मल्यगिरी में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है और ये मल्यगिरी पद्धति जिससे सुगंधित, अधिक समय तक सुगंधित रहते हैं कपड़े। अगला क्वेश्चन, वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला व भूरा। तो इसका राइट आंसर होगा भूरा। इसमें भूरे रंग की सर्वाधिक प्रधानता देखने को मिलती है।
इसका राइट आंसर हुआ दो नंबर, और इसके अलावा बाकी सभी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य, निम्न में से असत्य कथन है। पहला, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है। बिल्कुल सही है, देवल की खान कहाँ है? डूंगरपुर में, जहां से किस प्रकार का पत्थर निकलता है? पारेवा पत्थर निकलता है, ये कथन सही है। दूसरा की काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा, बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है, क्योंकि बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव काले रंग की संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है, जहां पर सोमपुरा जाति ये काले रंग के संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ दो नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरे नंबर का। अगला है कि बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा वह डूंगरपुर के बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा का कौन सा, चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोड़ी गामा जो गांव है वह तीर कमान के लिए जाने जाते, बिल्कुल सही है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी कथन सही है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में कहां कहां पर किस किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, यानी कि संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगर पूछे कि सफेद सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा जयपुर। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि काले संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है संगमरमर की, तो आपका आंसर होगा थानागाजी अलवर, और थानागाजी में एक किशोरी गांव है। कौन सा गांव है? किशोरी गांव, ये लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो बांसवाड़ा के अंदर जो तलवाड़ा गांव है वहां पर एक जाति उसका नाम है सोमपुरा जाति, जो काले रंग की संगमरमर मूर्तियां बनाती है। अगला क्वेश्चन, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो ये सोमपुरा जाति तलवाड़ा बांसवाड़ा में रहती है और ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, ये काले रंग के संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? ब्लू पॉटरी के लिए, कपड़े की सफाई के लिए, मीनाकारी के लिए, पीतल पर मुरादाबाद काम के लिए। तो इसका राइट आंसर हुआ तीन नंबर का, मीनाकारी के लिए। कुदरत सिंह को पद्म श्री अवार्ड 1988 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ तीन नंबर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मीनाकारी कला मुख्यतः लाहौर से मानसिंह फेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? मानसिंह फेस्ट के द्वारा आमेर लाई गई थी। और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जयपुर की कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है, मीनाकारी प्रसिद्ध है, और ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो ये जयपुर में मीनाकारी के प्रसिद्ध गहने बनाए जाते हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जयपुर में सीतापुरा जो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है, यानी कि मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी सीतापुरा जयपुर के अंदर है। और इसके अलावा जो मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार हुए उसका नाम, एक का नाम हरि सिंह अमर सिंह और एक किशन सिंह, ये मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार और हैं कुदरत सिंह के अलावा। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये जयपुर के राजा मिर्जा राजा मानसिंह फेस्ट के द्वारा लाहौर से आमेर लाई गई थी मीनाकारी कला को। और मीनाकारी के लिए पद्मश्री अवार्ड कुदरत सिंह को 1988
इतिहास ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया? तो ये दिल्ली से, ये कहां से लाए थे? लाहौर से लाए। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। लाहौर से 5 कारीगर को आमेर लाए थे आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाए जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में है? सीकर में, चूरू में, राजसमंद में या बाड़मेर? तो मोलेला गांव जो कि टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजसमंद जिले में, किस में जिले में? ये राजसमंद जिले में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिट्टी की मरण मूर्तियां बनाने के लिए जो मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है, और यहाँ के एक मोहनलाल कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है, और ये मूर्तियां बनाने के लिए मुख्यतः बनास नदी की तलेटी से मिट्टी लाई जाती है, और यहाँ के 2 तालाब हैं, एक का नाम है अवला का तालाब और एक सोलर की सापर, यहाँ से मिट्टी लाई जाती है, और इन मिट्टी के साथ एक गधे की गोबर व चावल की भूसी मिलाकर यहाँ पर मरण मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और मरण मूर्तियों को बनाने के लिए मोहनलाल कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और अगर पूछे कि मामा जी का घोड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, मामा जी का घोड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, तो हरजी गांव जालौर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। और राजस्थान में टेराकोटे के लिए बू नागौर का भी प्रसिद्ध है, बू गांव नागौर भी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मोलेला मरण मूर्ति शिल्प से। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। मोहन सिंह को मोलेला की मरण मूर्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसके लिए महेश राज सोनी को पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, और इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। और मीनाकारी के लिए जो पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है, वह 1988 में कुदरत सिंह को दिया गया था, और एक उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड हिसामुद्दीन उस्ता को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? तो ये मोहनलाल कुमार को दिया जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, और महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी की मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चावल की भूसी व ऊंट का गोबर नहीं, चावल की भूसी व गधे की गोबर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मरण मूर्ति कला के लिए। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और हस्तनिर्मित कागज के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद इसके लिए प्रसिद्ध है, और कैथून कोटा की मसूरिया की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, और बगरू प्रिंट जो बेल बूटों की सफाई के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और सांगानेर के अंदर भी सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, जिसमें काले व लाल रंग का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा की मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद। और ब्लू पॉटरी कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है।
और कागजी पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की है। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किसे बनाई जाती हैं? तो ये सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, यानी कि ये बनास नदी के निकट दो स्थान है, वहां से मुख्य रूप से मिट्टी लाई जाती है, सिरेमिक जैसी मिट्टी, और इसके साथ चावल की भूसी और गधे की गोबर मिलाकर यहाँ टेराकोटा में मरण मूर्तियां बनाई जाती हैं। मोलेला राजसमंद में नागौर का भू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो ये पेंचवरा के लिए नहीं, मिट्टी के बर्तन में खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, बांसवाड़ा, स्वाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा स्वाईमाधोपुर, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए स्वाईमाधोपुर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, हस्तकला स्थान में सुमलित नहीं है। पहला मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, ये इसका पहला ही राइट आंसर है, क्योंकि ये बसंतगढ़ के नहीं, कहाँ के हैं? हरजी गांव कहाँ है? जालौर, और जालौर में मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से लाल व हरे रंग, सॉरी इसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग नहीं होता है। दाबू प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें मोम के दाबू प्रसिद्ध है, कहाँ के? अकोला चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा मिट्टी के दाबू, अगर पूछे कि मिट्टी के दाबू कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपका आंसर होगा बाड़मेर में। अगर पूछे कि गेहूं के बीणी, गेहूं के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वहां की जो प्रसिद्ध है, ये बगरू की प्रसिद्ध है। दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू की। तो ये तीन भी आप याद रखना। इसके अलावा लाख का काम लक्ष्मणगढ़ व इंद्रगढ़ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें लाल व नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, लाल व नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और मलिर प्रिंट जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जिसमें कत्थई व काला रंग प्रयोग किया जाता है, और बगरू में काला व लाल रंग प्रयोग किया जाता है, और अकोला चित्तौड़गढ़ में जिसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, और मल्यगिरी जो कपड़ों को सुगंधित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जयपुर के अंदर है, इसके अंदर भूरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लेटा मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? लेटा गांव जालौर में, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और लेटा गांव जालौर के क्या प्रसिद्ध हैं? तो खेसला उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? लेटा गांव जालौर का। अगला क्वेश्चन, गेहूं के बीघन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो ये बगरू के अंदर होता है, गेहूं के बीघन का प्रयोग होता है। और इसके अलावा मोम के दाबू का प्रयोग अकोला चित्तौड़गढ़ में होता है, और मिट्टी के दाबू का प्रयोग कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। कहाँ पर होता है? बाड़मेर में होता है। अगला क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव अकोला, तो इसका राइट आंसर होगा एक, अकोला गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। और गांव मोलेला राजसमंद में जो कि मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इनकी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, और हरजी गांव जालौर जो कि मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ जो कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, और नाथू जी सोनी ने इसे प्रसिद्धि दिलाई थी थेवा कला को, और महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, किसको? थेवा कला के लिए। अगला क्वेश्चन, तोड़ियों यानी कि ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, वह क्या कहलाता है? नमदा कहलाता है। नमदा कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के, ये तो नहीं है। लुगड़िया, ये भी नहीं है। तो ये बाखला इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। बाखला के दो या बाखला के दो, बाखला ये मुख्य रूप से ऊंट के छोटे बच्चे, उसे बोलते हैं तोड़ियो, और यहां से उसके बाल और उसके साथ सूत के धागों के साथ मिलाकर
जो तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं भाखला या बाखला। इसका राइट आंसर हुआ तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये अलवर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा है? अलवर प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा बीकानेर। और कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा अलवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीसा बनाने में पहल किया था, अमेर का मानसिंह प्रथम, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह, जोधपुर का अजीत सिंह। तो गलीसा बनाने के लिए जो पहल अमेर के मानसिंह फर्स्ट के द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और गलीसे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जयपुर के। अगला, गलीसा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है अजमेर, सिरोही, जयपुर व पाली। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, गलीसा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में, जोधपुर में, फलोदी में या दौसा में। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में कठपुतलियों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? हमने देखा था चंदू जी का गढ़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में, और बोडीगामा गाँव कहाँ है, डूंगरपुर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हुआ दो नंबर। और मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, जाजम सफाई के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, और कुंदन कला के लिए कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर प्रसिद्ध है, यानी कि पच्चीकारी के लिए या कुंदन कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, जिसमें सोने या चांदी पर अमूल्य पत्रों से जो जड़ाई की जाती है उसे बोलते हैं कुंदन कला। अगला क्वेश्चन, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? पहला, थेवा कला जोधपुर की, ये गलत है क्योंकि थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की। जोधपुर में तो बंदेज साड़ियाँ और बादले प्रसिद्ध हैं। उस्ता कला उदयपुर की, गलत है, उदयपुर में कठपुतलियाँ प्रसिद्ध हैं। और उस्ता कला कहाँ की, बीकानेर की, इसका मतलब ये भी गलत है। कुंदन कला जयपुर की, ये कथन सही है, कुंदन कला कहाँ की है, जयपुर की है। और जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है, ये गलत है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हुआ तीन नंबर, कुंदन कला जो कि जयपुर की। और कुंदन कला किसे कहते हैं, इनकी स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़े जाते हैं उसे बोलते हैं कुंदन कला, जो कि जयपुर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा व जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में पत्थर के कलात्मक खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा गलियाकोट, डूंगरपुर, जो कि पत्थर के कलात्मक खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा में संगमरमर पर पच्चीकारी की जाती है, संगमरमर पर पच्चीकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए